आइए आइए बेरूपी आइए। आपकी कला के बड़े चर्चे सुने हैं हम। आज हम चाहते हैं कि आप अपनी इस कला का प्रदर्शन यहाँ हमारे सामने हमारे दीवाने खास में करें। हम अपनी कला का प्रदर्शन जरूर करें, मगर हमारी एक शर्त। कैसी शर्त? जहां बना हमारी कला खतरनाक है, उसमें कोई दुर्घटना हो सकती है। हमारी शर्त यह है कि हमारी कला के प्रदर्शन के वक्त अगर कोई दुर्घटना हुई या किसी को चोट पहुंची तो हमें इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया जाए। माफ कीजिएगा भैरूपे जी, हम कुछ समझे नहीं। आप ऐसी कौन सी कला पेश करने वाले हैं जिससे दुर्घटना हो सकती? राजा बिरबल, हम शेर का स्वांग करेंगे जो हमारे अलावा इस दुनिया में और कोई भी नहीं कर सकता। तो ठीक है, हम आपको जान की अमान देते हैं। शुक्रिया जहांपनाह। प्रदर्शन शुरू किया जाए। हटिए, राजा दरबान शाही हकीम को बुला कर लाइए। ले जाओ इस आदमी को और कैद खाने में डाल दो। लेकिन जहां बना, मैंने आपको पहले ही आगाह किया था कि कोई हादसा हो सकता है। छोड़ दो इसे। हमने आपसे वादा किया था इसलिए हम आपको गिरफ्तार नहीं कर रहे। लेकिन जब तक बीरबल पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती और जब तक इस मामले की पूरी तरह तहकीकात नहीं हो जाती, आप हमारी रियासत छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। जहां पना। शाही हकीम जी कैसे हैं बीरबल? जहां पना, राजा बीरबल। हाँ राजा बीरबल, क्या? राजा बीरबल अब हमारे बीच नहीं रहे। शहजादे सलीम, मुनादी करवा दीजिए कि राजा बीरबल अब हमारे बीच नहीं रहे। राजा बीरबल, मना कि आप बहुत अकलमंद हैं, लेकिन कभी कभी ज्यादा अकलमंदी भी इंसान को नुकसान पहुंचाती। और बादशाह अकबर, आपने बीरबल की हर नाइंसाफी में उसका साथ दिया जो आपको गुनहगार बनाता है, जिसका इंसाफ आज हम करेंगे। आप हमें जिंदा देखकर इतने हैरान क्यों हैं? हम तो हैरान नहीं हुए थे जब हमें पता चला कि आप कोई बहरूपी नहीं बल्कि सदाफ्ता रहमत खान। रहमत खान, बीरबल ने साबित कर दिया है कि आपने बड़ी बेरहमी से मंगल डाकू का कत्ल किया। ये कोई गुनाह नहीं है, इंसाफ है। ये इंसाफ क्या है और क्या नहीं, ये आप नहीं हम बताएंगे। बीरबल, आज इसकी सजा आप सुनाइए। जा बना, हमारे हिसाब से रहमत खान को 5 साल के लिए देश निकाला दे दिया जाए। हुक्म की तामील हो। इंतकाम से सिर्फ इंतकाम मिलता है रहमत खान, इंसाफ नहीं। हम मानते हैं कि मंगल डाकू ने आपके साथ बहुत बुरा किया, तो आप जहां पना के पास आते ये इंसाफ करते। बीरबल ने जो आपको देश निकाला की सजा दी वो सजा नहीं थी, बीरबल ने आपको मुआफ किया था। क्योंकि कानून को अपने हाथ में लेने के जुर्म में हम तो आपको सजाए मौत देने वाले थे। आपने बीरबल को गलत समझा। आज आप बीरबल के गुनहगार हैं और आज एक बार फिर बीरबल ही आपको सजा सुनाएंगे।
सजा सुनाइए बीरबल। क्या बना, हम रहमत खान को माफ कर दें। राजा बीरबल, बदले की आग ने मुझे अंधा कर दिया था, मुझे माफ कर दीजिए। अपने बच्चों के साथ जाके खेलिए। बीरबल, आपको जिंदा देखकर हम कितने खुश हैं आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आज हम आपको कुछ मीठा खिलाना चाहते हैं। ये लीजिए, गुलाब की पंखुड़ी।